हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरी वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आ गया और एक नया टॉपिक के साथ। ओके, तो गाइस आपके सामने दिखाई दे रहा है मेरे हाथ में क्या है, मैं आपको इस पहले इसको खोल के दिखता हूँ। ओके, तो गाइस मैं बता देता हूँ, एक एक ब्लूटूथ किट है, जो ब्लूटूथ पैनल होता है उसकी एक किट है। तो गाइस आज हम इस ब्लूटूथ किट की जो स्पेसिफिकेशन, मतलब कैसे काम वगैरह करता है और कहाँ पर ऑडियो इनपुट देना पड़ता है और ये चलने के लिए कितना वोल्ट चाहिए, हम ये सब बताएंगे। तो गाइस ये वीडियो तो मुझे काफ़ी पहले बनाना चाहिए था, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था जो ये वीडियो मैं पहले बनाऊं। लेकिन गाइस आप मुझे समझ में आ गया, जो ये ब्लूटूथ किट है इसका वीडियो मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि गाइस मैं आगे आने वाले और जो एम्पलीफायर किट बनाऊँगा उसमें यही जो ब्लूटूथ जो पैनल है इसको यूज़ करूँगा। तो गाइस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। ओके, तो गाइस आपको बहुत ध्यान से देखोगे तभी आपको आसानी होगी समझने में कैसे इसको बहुत ही आसान तरीके से यूज़ करते हैं। ओके, तो गाइस जब आप ये किट खरीदने जाओगे तो गाइस इसको ये पैनल, उसके बाद दो कनेक्टर, ओके, उसके बाद आपको एक रिमोट मिलेगा। ओके, तो गाइस ये बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाते हैं। तो गाइस मुझे यहाँ पर 120 का पड़ा। तो गाइस आपके यहाँ पर और भी कम या ज़्यादा हो सकता है, मतलब ये बहुत ही चीप है। ओके, और गाइस एक बात, ये कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं होता, मतलब आराम से 2-3 ईयर आराम से कट जाता है। लेकिन ख़राब होता है इसका ज़्यादा रिमोट, ये जो रिमोट है बहुत ही लो प्राइस का है, मतलब लो क्वालिटी का है, तो गाइस ये बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है। तो गाइस यहाँ पर रिमोट भी कमी है, यहाँ पर निकला है ये। तो गाइस नहीं तो ये पैनल बहुत ही अच्छी खासी काम करता है। ओके, तो गाइस इस पैनल में देखिए आप यहाँ पर ब्लूटूथ, यहाँ पर TF, मतलब जो HD कार्ड होती है उसको भी इंसर्ट करके जो आउटपुट ले सकते हो, उसके बाद यहाँ पर USB। ओके, तो गाइस यहाँ पर कुछ बटन दिया गया है, यहाँ पर वॉल्यूम स्कैन और वॉल्यूम प्लस, यहाँ पर कुछ मोड, मतलब जो BT मोड या TF मोड या USB मोड, ओके, या तो UX मोड, ओके, तो गाइस वो भी यहाँ पर है। ओके, तो गाइस ये जो पैनल है ये 5 वोल्ट पे रन होती है। ओके, तो गाइस आपको यहाँ पर जो रेड वाला पैनल यहाँ पर दिख रहा है, मतलब जो फीमेल सॉकेट यहाँ पर दिख रहा है, तो गाइस यहाँ पर आपको 5 वोल्ट देना होगा। ओके, तो गाइस यहाँ पर आपको गौर से देखना, तो गाइस इस साइड में यहाँ पर आराम से यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है 5 वोल्ट और ग्राउंड। ओके, तो गाइस यहाँ पर हमें 5 वोल्ट और ग्राउंड इनपुट देना होगा। उसके साइड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो 4 पिन वाला यहाँ पर एक फीमेल कनेक्टर है। तो गाइस यहाँ पर हमें देना होगा जो ऑडियो इनपुट। तो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, देखिए ANT का मतलब जो होता है एंटेना, उसके बाद यहाँ पर RO, उसके बाद AG और LO, ओके, मतलब राइट, उसके बाद ग्राउंड, उसके बाद लेफ्ट। ओके, तो गाइस आपको मैं ठीक से दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये वाला जो पोजिशन है, मतलब ये वाला जो पिन है, यहाँ पर अच्छे ऑडियो ऑडियो को लेफ्ट, और यहाँ पर जो मिडिल वाला है ग्राउंड, और उसके बाद है यहाँ पर राइट, उसके बाद यहाँ पर एंटेना। तो गाइस एंटेना ज़्यादातर कुछ काम में नहीं लगता। ओके, तो गाइस चलिए इसके छोटा मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। ओके, तो यही था कुछ सिंपल इन्फॉर्मेशन। ओके, तो देख लीजिए बहुत ही सस्ता में मिलता है, यही एक यहाँ जो पॉजिटिव बात यहाँ पर आ जाती है। ओके, इस पैनल की प्लस पॉइंट, मतलब बहुत ही सस्ता। तो गाइस ये जो मतलब रिमोट ही बहुत चीप है, ये बहुत ही घटिया है, मतलब 2-3 दिन या तो 10 दिन के बाद ये आराम से ख़राब हो जाएगी। ओके, अब इस रिमोट के ज़्यादा यूज़ करेंगे तो। ओके, तो गाइस चलिए फटाफट इसके एक टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर देखिए जो कनेक्टर है यहाँ पर पहले से ही दिया गया है। ओके, तो ये जो रेड वायर ये एंटेना के लिए। ओके, उसके बाद ये जो 3 वायर है, इसकी जो मिडिल वायर होगा वो होगा ग्राउंड और मिडिल वायर। ओके, मिडिल वायर ग्राउंड और यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर राइट। ओके, तो गाइस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ओके, और गाइस ये पावर सप्लाई के लिए 5 वोल्ट इनपुट करने के लिए कनेक्टर। ओके, तो गाइस एक आपको ध्यान से जो 5 वोल्ट मतलब देख के देना होगा, मतलब कहाँ पर ग्राउंड है कहाँ पर और 5 वोल्ट है। ओके, तो गाइस इसलिए मेरे पास एक म्यूज़िक सिस्टम है, मैंने पहले से बनाया, घर पे बनाया है। ओके, तो गाइस इसको जो ऑडियो इनपुट मैं ऑक्स से देता था। ओके, तो गाइस देख लीजिए पहले ये मैं ऑक्स से देता था। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो म्यूज़िक सिस्टम चलता है जो ऑक्स से चलता है। ओके, और गाइस यहाँ पर एक जो स्पीकर आउटपुट के लिए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं स्पीकर आउटपुट के लिए यहाँ पर एक जो इसका जो जो फीमेल वर्सन जैक है मैं उसको यहाँ पर लगा दिया। ओके, तो गाइस मैं दिखाऊंगा। तो गाइस आज हम इस जैक को यहाँ से हटा देंगे, और हटाने के बाद हम ये जो ब्लूटूथ मॉडल है इसको इसके साथ कनेक्ट करके देखेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो
गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ ग्राउंड है और एक रेड वायर है, मतलब यहाँ पर लेफ्ट और राइट को मैं एक साथ जोड़ दिया। ओके तो गाइस आपको भी सेम ही करना है, और इसका जो लेफ्ट और राइट है दोनों को एक साथ सोल्डिंग कर देना है, जो ग्राउंड है ग्राउंड के साथ जोड़ देना है। ओके तो गाइस इसका मैं एक सर्किट डायग्राम भी दे दूंगा, जिससे आपको बहुत ही आसान होगा, जो जो पैनल के साथ कोई किसी भी आप चाहे जो एम्पलीफायर सर्किट होती है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस मैंने कई सारे वीडियो बनाया है जो मैंने करके दिखाया है, बहुत सारे जो सी डी 32 जो आई सी बोर्ड होते हैं उसके साथ मैंने कनेक्ट करके दिखाया है। तो गाइस आपको वीडियो नहीं देखा तो जाके चैनल पर जाइए और देखिए। ओके तो गाइस चलिए फटाफट इसके साथ जोड़ लेते हैं। ओके तो गाइस देखिए मैं जो ऑडियो जैक इसको हटा दिया। ओके उसके बाद गाइस इसका जो ऑडियो जैक का जो इनपुट वायर है मतलब जो कनेक्टर है उसके साथ जोड़ देता हूँ। ओके तो गाइस मैंने क्या बोला था, जो इसका जो मिडिल वायर है वो ग्राउंड है। ओके देखिए ये मिडिल ग्राउंड है और ये लेफ्ट और ये राइट है। ओके तो गाइस ये जो लेफ्ट राइट है इसको मैं एक साथ जोड़ दूंगा। ओके उसके बाद इस ग्राउंड को छोड़ दूंगा। ओके तो जोड़ लेते हैं पहले। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो ऑडियो जैक का जो लेफ्ट और राइट है मतलब ये जो इनपुट ऑडियो सॉकेट का जो लेफ्ट राइट है दोनों को एक साथ जोड़ दिया और ग्राउंड को छोड़ दिया। ओके उसके बाद यहाँ पर जो इनपुट जो एम्पलीफायर के लिए जो इनपुट यहाँ पर वायर है वो तो गाइस मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। ओके ग्राउंड के ये जो व्हाइट वाला वायर है ये ग्राउंड है और यहाँ पर जो रेड है ये लेफ्ट और राइट एक साथ है। ओके तो गाइस इसके साथ मैं जोड़ देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो ऑडियो जैक का जो कनेक्शन है मतलब जो सॉकेट है इसको तो कनेक्ट कर दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पर रहता है पावर सप्लाई। तो गाइस अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, इसलिए मेरे पास मेरा जो डीसी पावर सप्लाई है उससे मैं 5 वोल्ट ले लूँगा। ओके उसके बाद ये जो पैनल है इसको ऑन कर दूंगा। तो गाइस चलिए फटाफट इसको ये जो जैक है इसको इन करते हैं। ओके उसके पहले देख लेता हूँ जो कौन सा वाला हमारा 5 वोल्ट है कौन सा वाला हमारा ग्राउंड है। ओके तो गाइस हमारा जो ये साइड है मतलब जो ये साइड वाला है ये 5 वोल्ट पॉजिटिव, यहाँ पर ग्राउंड देना होगा। ओके तो गाइस मैं कनेक्टर को लगा लेता हूँ। तो गाइस आपको ध्यान से करना है, अगर आप 5 वोल्ट से ज़्यादा देखो तो ये सर्किट खराब हो जाएगी। ओके तो गाइस आपको ध्यान से करना है, आपको 5 वोल्ट देना है उसके ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो ऑडियो जैक है जो सॉकेट है इसको मैं इन कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर इन कर दिया। ओके मैं एक बार देख लेता हूँ। तो गाइस ये रहा हमारा 5 वोल्ट। ओके तो गाइस यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पर सही है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसको पावर देना बाकी है और यहाँ पर जो स्पीकर है वो कनेक्ट करना है। तो गाइस मैं स्पीकर को फटाफट कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं मुझे दो स्पीकर है यहाँ पर। तो गाइस इसका जो इनपुट साइड है वो मैं यहाँ पर देता हूँ। तो गाइस देखिए तो गाइस यहाँ पर मैं स्पीकर के लिए आउटपुट दे देता हूँ। ओके तो गाइस ये हमारा हो गया। उसके बाद चलिए हम जो इसकी जो पैनल है इसकी जो पावर को ऑन करते हैं। ओके तो गाइस चलिए अभी हम जो पैनल की पावर को अप करते हैं। ओके तो गाइस पॉजिटिव को पॉजिटिव पर और नेगेटिव को नेगेटिव पर। लेकिन गाइस उसके पहले हमारा जो ऑडियो जो ये जो वॉट बॉक्स है इसके अंदर हम पावर को देते हैं। ओके तो गाइस सिंपली मैं लूँगा इसका मैं एसी के अंदर इन कर दूंगा। ओके उसके बाद इसको मैं ऑन कर देता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैं पावर को करता हूँ अप। तो गाइस यहाँ पर पावर सप्लाई में कुछ दिक्कत हो गया था, तो गाइस इसलिए यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा आवाज कर रही थी। ओके तो गाइस मैंने उसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद मैं सिंपली सबको ऑन कर दिया। तो गाइस देखिए आप, तो गाइस इसलिए आप जो ब्लूटूथ पैनल है उसको हमारे जो फ़ोन है उसके साथ कनेक्ट कर लेते। ओके तो गाइस इसलिए हम सिंपली जो ब्लूटूथ है उसको ओपन करेंगे। चलिए ऑन करते हैं। तो गाइस यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है। तो गाइस देखते हैं यहाँ पर अवेलेबल डेज। तो गाइस देखिए यहाँ पर BT16 तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर नया। ओके तो
तो इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर पीआर हो रहा है, तो गाइस देखिए यहाँ पर कनेक्ट भी हो गया। तो गाइस इसलिए आप यहाँ पर कोई सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। ओके तो गाइस चलिए, तो गाइस आप लोगों ने देखा कितना सिंपल वायरिंग है, कितना आसान हो गया। तो गाइस इसलिए आज से कुछ भी एम्पलीफायर पे ऑडियो जैक आउट आपको मैं ब्लूटूथ की मदद से करके दिखाऊंगा। ओके तो गाइस मैंने पहले आपको समझा दिया कैसे वायरिंग करते हैं। ओके तो बाद में कमेंट नहीं करना। तो गाइस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके तो गाइज़ आपको वीडियो पे कहाँ पर भी समझ में दिक्कत आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ओके तो गाइज इसका जो सर्किट डायग्राम है वो भी दे दूंगा, जिससे आपको समझने में और भी आसानी हो जाएगी। तो गाइज़ इस सिंपल सी प्रोजेक्ट का मतलब इस सिंपल सी एक वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। ओके तो गाइज़ मैंने जैसा बोला था, जो इसके साथ जो मुझे ये रिमोट मिला था ये अभी ख़राब हो चुकी है। ओके तो गाइज़ ये मेरे पास था, पहले से था। तो गाइज़ ये यहाँ पर काम कर रहा है। ओके तो गाइज़ देखिए यहाँ पर मैं मोड चेंज करता हूँ। ओके तो गाइस बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। ओके बहुत ही चीप प्राइस है, तो गाइस एक बार जरूर टेस्ट करना। तो गाइस चलिए मिलते हैं और एक प्रोजेक्ट के साथ और एक वीडियो में। तो